हेलो असलकम एवरी वन वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक बिल्कुल यूनिक से पिज़्ज़ा की रेसिपी क्या आपको ये यूट्यूब पे तो कहीं नहीं मिलेगी मैंने सर्च किया है कहीं नहीं मिला है आप मुझे बताएंगे सर्च करके कि आपको मिलता है क्या जी नहीं कभी नहीं मिलेगा मेरे चैनल पर पहली बार ऑथेंटिक ग्रीन पैराडाइज पिज़्ज़ा की रेसिपी है जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है जो घर में बनाना चाहते हैं उनके लिए भी बिल्कुल परफेक्ट है इस क्लास से हम बनाएंगे हर चीज़ होम होने वाली है तो वीडियो में बिल्कुल आपको मज़ा ही जाना है तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आएगी लाइक करेंगे सब्सक्राइब कर लेंगे कोई नए देख रहे हैं तो और चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं अच्छा जी यहाँ पर हम सबसे पहले ना पिज़्ज़ा बेस की बेस की तैयारी करते हैं मतलब डो बनाते हैं तो मैंने एक कप में पानी ले लिया है 162 सिक्सटी टू वन सेवेंटी एम उसमें मैंने 10 एम ऑयल डाला है उसके बाद यहाँ पर 12 ग्राम मैंने शुगर डाला है ठीक है सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साइड पे रखेंगे अच्छा अब हमने पिज्ज़ा बेस की जो डो बना रहे हैं ना उसका सारा ड्राई इन्ग्रीडियंट्स ले, ले लेंगे तो मैंने मैदा लिया है टू फिफ्टी उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे मिल्क पाउडर फिफ्टीन ग्राम्स उसके बाद यहाँ पर गार्लिक पाउडर लिया है वन ग्राम और मैंने यहाँ पर सॉल्ट लिया है सॉल्ट लिया है लगभग फोर टू फाइव ग्राम्स सारी चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद ही ईस्ट डालेंगे ठीक है तो ईस्ट यहाँ पर मैंने लिया है इंस्टेंट एक्टिव ईस्ट इसलिए मुझे इसे एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं नहीं है तो ये मैंने लिया है तकरीबन सिक्स ग्राम्स अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया और अच्छे से जो पानी हमने बनाया था ना उस पानी के साथ इसका डो लगा लेना है तो चलिए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पर देखिए मैं इसे स्पून से कर रही थी ये हो नहीं रहा था तो फिर मैंने अपने हाथों का यूज़ कर लिया और उसके साथ चलिए इसका डो लगा लेते हैं तो यहाँ पर इसकी जो निडिंग प्रोसेस आगे जो होने वाली है ना फ्रेंड्स वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपको प्लीज़ आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे आराम से देखेंगे तभी जा के आपको अच्छे से समझ में आएगा और बिल्कुल बेकरी स्टाइल का आपका पिज़्ज़ा बेस बनेगा तो ये देखिए डो बांध लिया है पानी का बिल्कुल यूज़ नहीं किया है जितना पानी हमने लगाया था उतना ही लिया है ठीक है अब यहाँ पर मैंने ट्वेंटी फाइव बटर लिया है थोड़ा थोड़ा इस तरह से डो में ऐड करेंगे और इसकी ंग प्रोसेस देखिए देखिए मैं स्ट्रेच कर रही हूँ बैक कर रही हूँ स्ट्रेच किया बैक किया और फिर थोड़ा थोड़ा बीच बीच में इस तरह से हम बटर भी डालते जाएंगे ठीक है और इस तरह से फिर से स्ट्रेच करेंगे बैक करेंगे स्ट्रेच करेंगे बैक करेंगे और यही प्रोसेस हमने यहाँ पर तकरीबन चार से पाँच मिनट के लिए करना है देखिए सारा बटर हमारा यहाँ पर लग चुका है ठीक है पानी का बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे जितना पानी हमने स्टार्टिंग में डाला था उतना ही पानी इसके लिए काफ़ी होगा तो ये मैंने तकरीबन चार से पाँच मिनट के लिए यहाँ पर कर लिया है उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे ब्रेड को नीट करने का वो देखिए ये ये है इस तरह से अपने हाथों पे लेके थोड़ा सा लंबाई में खींचेंगे और फिर इसे पटकेंगे जैसे धोबी पछाड़ होता है ना बस सेम वैसे ही आपको करना है इस तरह से इसकी पिटाई करनी है थोड़ा सा बस इस तरह से पटकेंगे तकरीबन बीस से पच्चीस बार तो इससे क्या होगा ना हमारे ब्रेड का ग्लूटिन एक्टिवेट होगा और हमारा जो ब्रेड है बिल्कुल बेकरी स्टाइल जालीदार सॉफ्ट स्पॉन्जी बनेंगे पिज्ज़ा बेस ठीक है तो ये प्रोसेस जो है आप बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे आराम से देखेंगे घर पे बाहर का टेस्ट चाहिए तो डेफिनेटली थोड़ा तो स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा ना तो ये देखिए हमारा डो लग गया है बाहर जो बेकरी में बनाते हैं ना वो बहुत सारे केमिकल्स यूज़ करते हैं सी पाउडर यूज़ करते हैं गलूटिन पाउडर यूज़ करते हैं ब्रेड इंप्रूवर यूज़ करते हैं हम इन्हें यहाँ पर सारा काम अपने नीडिंग नेडि, प्रोसेस से ही कर लिया ठीक है तो ये हमारा डो रेडी हो गया ढक करके आधे घंटे के लिए साइड पर रखते हैं अच्छा अब यहाँ पर जो हम पिज़्ज़ा के बेस के ऊपर जो हम लगाने वाले हैं ना पनीर वो तैयार कर लेते हैं तो मैंने मैरिनेट लिया है टू एंड हाफ़ टेबल स्पून दही और इसमें हाफ़ टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे वन फोर टी स्पून कॉरियंडा पाउडर वन फो वन फोर टी स्पून पाउडर व हाफ टी स्पून मैंने कसूरी मेथी लिया है इसे इस तरह से क्रश करके डाल देंगे वन फोर टी स्पून ग्रीन चिली पेस्ट उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है वन फोर्थ टी स्पून सॉल्ट और थोड़ा सा फूड कलर देखिए एक चुटकी से भी कम है ठीक है ग्रीन फूड कलर क्योंकि ये ग्रीन पैराडाइज पिज्ज़ा है इसलिए ग्रीन फूड कलर जाएगा तो अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया उसके बाद डेढ़ ग्राम पनीर इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिए थे उसे डाल दिया है अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर इसे आपको मैरिनेशन का टाइम देने की भी ज़रूरत नहीं है चलिए इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं तो इसके के लिए मैंने यहाँ पर पैन में जस्ट वन टीस्पून ऑयल लिया है ऑल जब गर्म हो जाएगा पूरा पनीर मैरिनेट के साथ हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे हम पकाएंगे जब तक ये सारा पानी ड्राई नहीं हो जाता देखिए इस तरह से पनीर के ऊपर हल्का हल्का सा कलर आ जाएगा और ये सारा पानी हमारा ड्राई हो गया है तो बस यहाँ पर ये यह हमारे पनीर की फिलिंग बनकर रेडी है हमारे पिज्ज़ा के ऊपर टॉपिंग जाने के लिए तो बस इसे मैंने गैस को बंद कर दिया और इसे प्लेट में निकाल करके साइड पर रखते हैं अच्छा अब नेक्स्ट यहाँ पर जो हमने बनाना है ना वो है पेस्तो सॉस तो हम वो बाहर देश वाला पेस्तो सॉस तो नहीं बना सकते क्योंकि उसमें बेजिल लगता है लेकिन बनाते हैं इसे अपने तरीके से तो मैंने वॉलट लिया है बारह से तेरह ठीक है उसमें हमने दो प्रोसेस चीज़ जो क्यूब चीज़ क्यूब आते हैं ना वो मैंने ले लिया है ग्रेड करके उसके बाद एक पॉट गार्लिक के सारे क्लोव्स को पील करके ले लिया है दो ग्रीन चिलीज़ मैंने लिया है उसके बाद थ्री टेबल स्पून ऑयल लिया है उसके बाद जो बेजिल का काम करेगी ना वो है ये मिक्सड हर्ब वन टेबल

राउंड कर देंगे अब यहाँ पर मैंने लिया है कॉर्न मील वो बिल्कुल बाहर डोमिनोज और पिज्ज़ा हट ये सब में जो होते हैं ना वहाँ पर डस्ट करने के लिए रोल करने के लिए सूखे मैदे का यूज़ नहीं करते ये कॉर्न मील का यूज़ करते हैं कॉर्न मील नहीं है मैंने यहाँ पर हमारे साइड पर नहीं मिलता क्योंकि हम लोग छोटे कस्बे में रहते हैं छोटी जगह पर रहते हैं तो हर जगह अवेलेबल नहीं होता तो आप मक्के का आटा लेंगे लेकिन हल्का दरदरा लेंगे और उसी को थोड़ा थोड़ा डाल करके इस तरह से देखिए रोल करेंगे वो लोग तो हाथ से करते हैं ना लेकिन हमें तो इतना नहीं है तो आप रोलिंग पिन की मदद से बेलन की मदद से इस तरह से रोल कर लीजिए देखिए इतनी मोटाई मैंने इसे रखी है ठीक है अब यहाँ पर मैंने इस टिन में बनाना है इस ट्रे में बनाना है तो यहाँ पर देखिए मैं सिर्फ इंप्रेशन डाल रही हूँ डो के ऊपर और बाकी का जो एक्स्ट्रा डो हमारा साइड साइड में बचा है ना उसके ऊपर हम इस तरह से थोड़े से आ, कट्स लगा लेंगे क्यों लगाएंगे मैं आपको आगे बताने वाली हूँ और देखिए इस तरह से मैंने कट लगा लिए है अब पेस्टो सॉस को ना मैंने एक पाइपिंग बैग में डाल लिया अब जो मैंने रखा था ना टिन टिन का तो उसकी साइड साइड पे हमने देखिए इस तरह से पेस्तो सॉस लगा लेने हैं ठीक है पेस्तो सॉस गाढ़ा होता है इसमें वाटर नहीं होता है इसलिए थोड़े से निकलने में दिक्कत होती है तो खैर कोई बात नहीं इस तरह से देखिए मैंने चारों साइड्स पर लगा दिया अब देखिए इसे फोल्ड करेंगे तो इससे क्या होगा ना बड़ी ही प्यारी और सुंदर सी डिज़ाइन बन जाएगी तो देखिए इस तरह से बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा हमारा डिज़ाइन बन रहा है अच्छा यहाँ पर आगे ना मुझसे गड़बड़ हुई थी क्या हुई थी मैं आपको आगे बताऊंगी इस तरह से देखिए मैं क्रिस क्रॉस करते हुए डिज़ाइन बना रही हूँ इसे और अच्छे से चिपकाते भी जाएंगे ठीक है एक बार बनाने के बाद में वापस से इसे चिपका लेंगे नहीं तो यह बाद में क्या होता है ना कि फूलती हैं तो ये फिर ये खुल जाते हैं तो इसलिए अच्छे से देखिए मैंने डिज़ाइनिंग बनाने के बाद में इस तरह से अच्छे से चारों ओर चिपका लिया है ताकि ये खुले नहीं अब यहाँ पर जो मुझसे गड़बड़ हुई थी आगे आपको देखने को मिलेगी तो टिन के ऊपर बटर से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और ये देखिए मैंने उठाया और यहाँ पर ये यह हमारा खुल गया तो ये गड़बड़ हुई थी मुझसे एक्चुअली मुझे बटर पेपर के ऊपर डो को रखना था उसके बाद डिजाइनिंग करनी थी लेकिन वो मैंने बोला ना आपको बिल्कुल एंड मोमेंट पर मेरा यहाँ पर प्लान बना था तो खैर मैंने कैसे इसे ठीक कर लिया वापस से और इस तरह से फोक की मदद से अच्छे से प्रेक कर लेंगे नहीं तो ये बाद में ओवन में जाने के बाद में ना ये रोटी की तरह फूल जाएगी आपके पीजे तो इस तरह से अच्छे से आपने प्रेक कर लेना है पाप डालना है मेयोनीज और यहाँ पर मैंने वन टेबल स्पून मेयोनीज डाला और वन एंड हाफ़ टेबल स्पून मैंने पेस्टो सॉस डाला है अब इसे अच्छे से मिक्स करके चारों ओर इस तरह से पिज्ज़ा बेस के ऊपर फैला लेंगे अब यहाँ पर हमने ऐड करना है ये पनीर की टॉपिंग जो हमने बनाई थी तो ये हमारा ग्रीन पैराडाइज पिज़्ज़ा है तो इसके ऊपर सारी चीज़ें हमारी ग्रीन ग्रीन ही जाएगी तो ना अनियन की ज़रूरत है ना टोमेटोज़ की ज़रूरत है ठीक है ऐसे आप चाहेंगे अगर घर में बना रहे हैं और आपको पसंद है आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी अब यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से कैप्सिकम को भी डाल दिया है अब थोड़े से औरिगनो डाल देंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल देंगे और ये हमारा पिज़्ज़ा बेस बनकर तैयार है पर इसे हमें अभी आधे घंटे के लिए साइड पे रखना है और यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर मोजर वाला चीज़ डाल रही हूँ जितना आपको चीज़ ही खाना है ना आप उसी हिसाब से चीज़ डालेंगे तो अभी इसे आधे घंटे के लिए साइड पर रखते हैं ताकि हमारा ब्रेड थोड़ा फूल सा जाए तो देखिए आधे घंटे बाद ये मैंने एक छोटा भी बनाया था और ये बड़ा वाला कैसा साइड साइड में आपको दिख रहा होगा कि ये कैसा फूल सा गया है ठीक है वापस से ये थोड़ा राइज हो गया है तो ये जो आपको आधे घंटे का सारी चीज़ें टॉपिंग वगैरह लगाने के बाद में आधे घंटे का समय देना बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर मैंने दो बनाया है एक आपको ओवन के साथ एक विदाउट ओवन के साथ बताऊँगी तो पहले चलते हैं विद एवन के तरफ तो यहाँ पर मैंने ओ को पहले से ही प्री हीट कर लिया था पाँच मिनट के लिए एट वन डिग्री सेल्सियस टोस्ट मोड पर अभी मैंने यहाँ पर टोटल ट्वेंटी मिनट्स का टाइमर लगाया है अब चलिए विधर विदाउट ओवन के तरफ ठीक है तो यहाँ पर मैंने इसे ऑलरेडी पाँच मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था एक पैन में नमक डाला एक स्टैंड डाला कुछ ऊँचा करने के लिए मैंने यहाँ पर ग्रेटर ही डाल दिया आप कोई कटोरे वगैरह भी डाल सकते हैं अब देखिए ये बहुत ज़्यादा थोड़ा गर्म हो गया था एक्चुअली तो अब मैंने यहाँ पर छोटा वाला पिज़्ज़ा डाल दिया है फ्लेम को बिल्कुल कुल लो कर देंगे ढक करके इसे बेक होने देंगे तकरीबन पंद्रह से बीस मिनट के लिए और यहां पर देखिए ये हमारा टोटल 19 टू 20 मिनट्स मेरा लगा था ये अच्छे से बेक हो चुका है अच्छे से इस तरह से ब्राउनिंग आ जाएगी तो बस ये हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है चलिए इसे निकाल लेते हैं और देखिए कितनी आसानी से ये निकल भी जाता है इतना बड़ा पिज़्ज़ा हमने बनाया है लेकिन फिर भी आसानी से टीम होल्ड हो गया और कितना खूबसूरत लग रहा है ना और इधर आते हैं हमारे विदाउट ओवन वाले देखिए साइड साइड पर इस तरह से ब्राउनिंग आपको दिखेगी ना तो इसका मतलब है ये आपका डन है क्योंकि ऊपर से कलर कभी नहीं आएगा क्योंकि हम विदाउट ओवन वाला मतलब कर रहे हैं ठीक है तो ऊपर से ब्राउनिंग नहीं आती है ज़्यादा देखिए नीचे ब्रेड देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है ना तो बस इसे निकाल लेते हैं और ये हमारे दोनों पिज्जाज बनकर रेडी हैं अब एक सॉस बनाना है तो मैंने मेयोनीज लिया वन टेबल स्पून इसमें हमने डालना है वन एंड हाफ़ टेबल स्पून के करीब में पे पेस्तो सॉस दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पैपिंग बैग में डाल करके रेडी कर लेंगे और इसके साथ हमने देखिए यहाँ पर सॉस के साथ हमने यहाँ पर पिज़्जा के ऊपर ड्रिजल कर देना है इस तरह से डिज़ाइन बना देना है तो ये बहुत अमेजिंग सा जाता है बहुत ही टेस्टी लगता है इतना टेस्टी लगता है ना कि आप एक बार बनाएंगे ना तो सीरियसली आप डोमिनोज जाना जाना ना भूल ही जाएंगे आप छोड़ ही दीजिए आप बाहर खाना ही भूल जाएंगे पिज़्ज़ा भी अगर घर पर इतना अच्छा इतना ऑथेंटिक और बिल्कुल बाहर जैसा पिज़्ज़ा आपको मिल रहा हो और इतनी ऑथेंटिक टेस्ट वाला तो फिर आपको बाहर जाने की क्या ज़रूरत बहुत ही कम लागत में बन जाती है पूरा परिवार मिलजुल कर खाइए कम पैसे में और बिल्कुल अच्छा खाना तो बहुत ही टेस्टी बनता है आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा फिर मुझे ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी है आम श्योर sure आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा शेयर कर लीजिएगा सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को और अनाया तो पहले से ही खाई हुई थी इसलिए उसको उसका टेस्ट पता था तो वो मुझ कब से इंतज़ार कर रही थी कि कैसे पिज़्ज़ा कटे और मुझे ही मिले तो वो बहुत इन्जॉय करके खाई सब लोगों को बहुत पसंद आया आप भी एक बार बनाइएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाय अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग